नमस्कार दोस्तों, मैं मोनिका अग्रवाल आपकी स्पिरिचुअल गाइड आपका स्वागत करती हूँ भक्ति वंदना चैनल पे। और जानते हैं आज का राशिफल सभी राशियों के लिए। मेष राशि वालों के लिए आज का दिन सुबह के पहर में यानी कि 12 बजे तक शुभ रहेगा। आपके सभी कार्य बनते हुए नजर आएंगे। अगर आप कोई शुभ कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं तो आज 12 बजे से पहले उसकी नींव डाल दें। 12 बजे के बाद आपका दिन सामान्य रहेगा। थोड़ा सा शाम के समय किसी चीज़ को लेकर चिंता एवं टेंशन बन सकती है, लेकिन आप थोड़ा पेशेंस से काम लें और हो सके तो शाम के समय कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय किसी भी चीज़ को ना लें एवं आपके पति पत्नी के संबंधों में भी मधुरता रहेगी। वृषभ राशि वालों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। आपको लोगों की प्रशंसा बटोरने को मिलेगी। आप सभी कार्य जो भी करेंगे वो लोग उसे पसंद करेंगे, आप खुद भी सेटिस्फेक्शन महसूस करेंगे। आपके बिजनेस में हो सकता है कि आपको अचानक से कोई मुनाफा या फ़ायदा मिल जाए जिससे आप प्रसन्न महसूस करें। संतान की वजह से आप थोड़ा सा बिजी रह सकते हैं, यानी कि उनको पढ़ाने में या फिर उनकी तरफ ध्यान देने में। अपने संतान पे थोड़ा ध्यान आज ज़्यादा दें, वो आपका टाइम डिमांड करेंगे। शाम होते होते तक आपके जीवन साथी भी आपसे थोड़ा सा वक्त डिमांड करेंगे। अगर आप शादीशुदा नहीं हैं तो आपके शादी पक्के होने के चांसेस बन रहे हैं। मिथुन राशि वाले आज के दिन खासकर किसी भी तरह का उधार ना दें और ना ही किसी से उधार लें। परंतु शाम 6 बजे के बाद अगर आपने किसी को उधार दिया हुआ है तो वो उधार वापसी के योग बन रहे हैं। 6 बजे से पहले नहीं, 6 बजे के बाद। तो अगर आपने किसी को दिया हुआ है पैसा तो आप उससे मांग भी सकते हैं या आपको खुद चलकर वो पैसा वापस मिलेगा। सेहत का थोड़ा सा ध्यान रखें, पेट संबंधी कुछ समस्याएं आपको चिंतित कर सकती हैं। कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन मिला जुला रहेगा। जहां एक तरफ आपको आपके जीवन साथी की प्रशंसा मिलेगी और आपके संतान की तरफ से आपको कोई खुशी मिलेगी, वहीं दूसरी तरफ ससुराल पक्ष में सास या ससुर की तरफ से आपको कुछ निराशा भी हो सकती है। उनकी कही हुई कोई बात या उनके करे हुए कुछ कार्य आपको नापसंद हो सकते हैं। जितना हो सके आप उस बात को व्यतीत ना करें और कुछ अपने तक रखें, क्योंकि हो सकता है कि आप बोलने के चक्कर में कुछ ऐसे अपशब्द बोल जाएं जिससे आप दूसरों को आहत कर दें। इसलिए थोड़ा सा पानी पे नियंत्रण अगर आप रखेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। सिंह राशि वालों के प्रमोशन के चांसेस बन रहे हैं। अगर आप कोई सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या सरकारी नौकरी देखना चाहते हैं तो आज का दिन अच्छा है, शुभ रहेगा। माँ दुर्गा की आराधना करके अगर आप किसी भी कार्य के लिए निकलेंगे तो आपका वो कार्य सक्सेसफुल होगा। आप शाम को हनुमान जी के मंदिर जाके उनका प्रसाद चढ़ाएँ और उसे सब में बाँटें और खुद भी खाएँ तो आपको लाभ मिलेगा। अगर आप शादीशुदा नहीं हैं तो आपको शादी के कोई प्रपोज़ल आ सकते हैं, लेकिन अगर आप प्रेम संबंधों में हैं तो थोड़ा ध्यान रहें क्योंकि आपको किसी की बात आहत कर सकती है। कन्या राशि वालों के लिए दिन आज का भी भागा दौड़ी का रहेगा। आपके बहुत सारे पेंडिंग वर्क है जो पूरे नहीं हो पा रहे और आज भी आप कुछ प्लान्स बनाएंगे जो कि वो प्लान्स पूरे नहीं हो पाएंगे। आपके जाने आने जाने के प्लान्स भी चेंज होने की संभावना है। हो सकता है आपको कहीं जाना हो लेकिन आपको कहीं और जाना पड़ जाए जिसकी वजह से आपका कोई काम अधूरा भी रह सकता है। जीवन साथी के साथ मनमुटाव होने के चांसेस हैं, तो जितना हो सके आप काम रह के या पीसफुल रह के बात करें और अगर कोई बात ऐसी लगे जिससे वाद विवाद बढ़ने की आशंका है तो उस बात को वहीं पर टाल दें। तुला राशि वालों के लिए आज कार्य क्षेत्र में दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। आपको आपके सीनियर्स का सपोर्ट मिलेगा और प्रशंसा भी मिलेगी।
आपके टीम मेंबर्स भी आपको सपोर्ट करेंगी। आप जिस भी तरीके से कार्य करना चाहेंगे आपकी बात मानी भी जाएगी और उसी तरीके से कार्य होगा भी। अगर आप प्रेम संबंधों में हैं तो आप कमिटमेंट दे सकते हैं या आपको कमिटमेंट मिल सकता है। अगर आप पहले से शादीशुदा हैं तो आप अपने पार्टनर के साथ थोड़ा समय व्यतीत करेंगे और थोड़ा सा कहीं रोमांटिक डिनर पे भी जा सकते हैं। कुछ समय अगर आप अपने लिए निकालते हैं तो ज़्यादा अच्छा होगा, और थोड़ा मेडिटेशन करें, ध्यान लगाएं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए दिन कार्य क्षेत्र में अच्छा रहेगा, जहां एक तरफ आपको कार्य क्षेत्र में प्रशंसा मिलेगी, धन लाभ के भी योग हैं, क्लाइंट्स भी मिलेंगे, वहीं दूसरी तरफ आपके जीवन साथी के साथ आपके मनमुटाव होने के चांसेस हैं। आपके जीवन साथी को हो सकता है कोई बात आपकी पसंद ना आए जिसकी वजह से वाद विवाद बढ़ जाए। बच्चों की तरफ से भी कुछ टेंशन हो सकती है, इसलिए थोड़ा ध्यान रखें। मेडिटेशन करते हैं या दही चीनी खाकर अगर आप किसी भी कार्य के लिए निकलते हैं तो वो आपको लाभ देगा। अगर आप किसी अल्टरनेटिव हीलिंग टेक्निक यानी कि रेकी एक्सेट्रा की प्रैक्टिस करते हैं तो वो भी आपको लाभ देगी और साथ में आपको सपोर्ट करेगी इन सिचुएशन से निकलने के लिए। धनुराशि वालों को बिजनेस में कुछ चिंताएं घेर सकती हैं। हो सकता है आपके कुछ कार्य या आपकी कोई पेमेंट डिले हो जाए जिसकी वजह से आप इरिटेटेड महसूस करें। आपके पार्टनर भी आपके साथ सहमत नहीं होंगे जिसकी वजह से वाद विवाद के चांसेस बन रहे हैं। तो अगर हो सकता है तो कोई भी इम्पॉर्टेंट डिसीज़न आज के दिन ना लें, कल के दिन लें, या फिर अगर आपको आज के दिन इम्पॉर्टेंट डिसीज़न लेना ही पड़ जाए तो 4 बजे के बाद लें, 4 बजे से पहले कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय ना लें। अगर आप विवाह योग्य हैं तो आपके विवाह के चांसेस बन सकते हैं। अगर आप लव अफेयर्स में हैं तो आप अपने पार्टनर के साथ अच्छा समय व्यतीत कर सकते हैं। अगर आप पहले से शादीशुदा हैं तो आपको आपके पति या पत्नी का सपोर्ट पूरा मिलेगा आपके हर तरह की लाइफ सिचुएशंस भी। मकर राशि वालों के लिए दिन सामान्य जाएगा। कार्य क्षेत्र में आपको बहुत सारे, अगर आप बिजनेस में हैं, क्वेरीज आ सकती हैं, बट आपके काम कुछ कुछ रुकते हुए से नज़र आएंगे जिसकी वजह से आप थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं, मगर उसमें परेशानी की कोई बात नहीं। अगर आप आज नहाने के पानी में थोड़ा सा सेंधा नमक डाल के नहाते हैं तो आपकी सभी नकारात्मक ऊर्जाओं का नाश होगा और आपके कार्य बनने शुरू हो जाएंगे। आज के दिन माँ की पूजा करेंगे, माँ का ध्यान लगाएंगे या गणपति पूजा करेंगे तो उससे भी आपको लाभ मिलेगा। कुंभ राशि वालों के लिए आज के डेट में जॉब या बिजनेस में समय अच्छा जाएगा। आपकी कोई डील फाइनल हो सकती है या अगर आप नौकरी में हैं तो आपको प्रशंसा मिल सकती है, परंतु आपके पारिवारिक संबंधों में खटास बनी रहेगी। आपके आपके जीवन साथी के साथ कलह या आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं जो कि काफ़ी बढ़ सकते हैं, इसलिए अगर आप थोड़ा संयम बना के रखें, पेशेंस से काम लें तो आपके लिए अच्छा है। अगर आप नहाने के पानी में सेंधा नमक डाल के नहाएं एवं अपने घर में सरसों के तेल का दिया अगर आप आज जलाते हैं तो आपको फ़ायदा मिलेगा। मीन राशि वालों के लिए आज का दिन हर लिहाज से अच्छा जाएगा। सेहत संबंधी किसी परेशानी से जूझ रहे हैं तो सेहत में सुधार होगा। कुकिंग में थोड़ा टाइम आप स्पेंड कर सकते हैं, आप आज इंजॉय करेंगे कुकिंग, अपने फ्रेंड्स के साथ इंजॉय करेंगे। शाम के टाइम कोई टी पार्टी आप रख सकते हैं जिसमें आपके कुछ लोगों के साथ मुलाकात हो और आपका दिन अच्छा रहे। आप शॉपिंग पे भी जा सकते हैं, लेकिन ये सारे प्रोग्राम आपके अचानक बनेंगे इसलिए आपको वो सरप्राइज़ की तरह भी लगेगा और आप अच्छा महसूस भी करेंगे। अगर आप पुरुष हैं और नौकरी में हैं तो नौकरी में भी आपको कोई सरप्राइज़ मिल सकता है।